व्हाट्स अप गाइस, दिस इज विनय एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मसल एंड न्यूट्रिशन। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि दो सेट्स के बीच में हमें कितना रेस्ट लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप बाइसेप्स कर रहे हो और आप बारबेल कर्ल्स कर रहे हो, आपने बारबेल कर्ल्स के 15 रेप्स किए और अब आप दूसरा सेट करने वाले हो बारबेल कर्ल्स का, तो इस पहले सेट से दूसरे सेट के बीच में आपको टोटल कितने मिनट्स का रेस्ट है, इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कुछ लोग बोलते हैं 1 मिनट का रेस्ट लो, कुछ लोग बोलते हैं 2 मिनट का रेस्ट लो, 3 मिनट का रेस्ट लो। एक्चुअली क्या साइंस है और हमें कितने मिनट्स का रेस्ट लेना चाहिए, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल बटन दबा दो ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलती रहें। डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे, तो कितना मिनट का रेस्ट आपको लेना है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला है कार्डियोवैस्कुलर रिकवरी और दूसरा है एटीपी रीजनरेशन। पहले कार्डियोवैस्कुलर रिकवरी की बात करते हैं। इसे आप ऐसा समझो कि जब आप एक सेट लगाते हो उसके बाद आपका जो हार्ट रेट है या आपका ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा सा तेज़ हो जाता है, तो ये जो ब्लड प्रेशर या आपका हार्ट रेट है इसको नॉर्मल आने का आपको वेट करना चाहिए, तब आपको दूसरा सेट स्टार्ट करना चाहिए। तो कार्डियोवैस्कुलर रिकवरी का मतलब यही होता है कि आपके हार्ट रेट और आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है उसको नॉर्मल लेवल पे आने में कितना टाइम लगता है, उतना टाइम आपको दो सेट्स के बीच में रुकना चाहिए। दूसरी चीज़ है एटीपी रीजनरेशन। एटीपी रीजनरेशन यानी कि मसल्स में जब आप वर्कआउट करते हो तो एटीपी एनर्जी सिस्टम काम करता है और एटीपी जो है आपका वो थोड़ी देर के लिए डिप्लीट हो जाता है, तो इसको नॉर्मल एटीपी रीजनरेशन में जितना टाइम लगता है उतने टाइम तक आपको दो सेट्स के बीच में रुकना चाहिए। जनरली 85% एटीपी आपका 3 मिनट्स के अंदर रीजनरेट हो जाता है और एटीपी को फुल रीजनरेट होने में कुछ 8 to 10 मिनट्स लगते हैं, तो आपको इतना ज़्यादा रुकने की ज़रूरत नहीं है। एटीपी आपका 85% भी रीजनरेट हो गया तो आप अपना सेट स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, बहुत सारी चीज़ें आपको शायद समझ में नहीं आई होंगी यहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल बताता हूँ, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। जब आपको ऐसा लगे कि आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नॉर्मल हो गया है और आपको 2 मिनट हो चुके हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो आप किसी भी सेट को स्टार्ट कर सकते हो। तो अब थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे बड़े मसल ग्रुप्स हैं लेग्स, बैक और चेस्ट, इनके लिए आपको 2 से 3 मिनट्स का रेस्ट लेना है। अगर खास करके कंपाउंड मूवमेंट्स अगर आप कर रहे हो बड़े मसल ग्रुप्स के लिए तो आपको 3 मिनट का रेस्ट लेना है, और आइसोलेशन मूवमेंट्स अगर आप कर रहे हो तो 2 मिनट का रेस्ट लेना है। वैसे ही अगर स्मॉलर मसल ग्रुप्स हैं, छोटे मसल ग्रुप्स हैं जैसे कि बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स या काव्स, तो आपको 1 से 2 मिनट का रेस्ट लेना है। अगर आप कंपाउंड मूवमेंट्स कर रहे हो ट्राइसेप्स के लिए तो आप 2 मिनट का भी रेस्ट ले सकते हो, लेकिन अगर आप आइसोलेशन मूवमेंट कर रहे हो छोटे मसल ग्रुप्स के लिए तो आपको 1 से 1.5 मिनट का रेस्ट ही बहुत होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको किस टॉपिक पे और आगे वीडियोस चाहिए। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट, स्टे स्ट्रॉन्ग।